ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। 8 या 9 अगस्त कब है? नाग पंचमी। जाने शिवजी के जलाभिषेक का उत्तम मुहूर्त हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय माना गया है। इस महीने देवों के देव महादेव की विधिवत पूजा अर्चना व जलाभिषेक किया जाता है। सावन में नाग पंचमी का पर्व भी आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अगस्त को सुबह 12:36 से पंचमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 10 अगस्त को सुबह 03:14 तक रहेगी। नाग पंचमी मुहूर्त की अवधि 02:40 तक रहेगी। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे नाग पंचमी की कथा और उसको सुनने के फायदे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का प्राकट्य दिवस है, इसलिए इसे नाग पंचमी के रूप में पूरे पृथ्वी मंडल पर मनाया जाता है और नागलोक में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सारे नाग इस दिन प्रसन्नता से अपना उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जन्मेजय के माध्यम से जो नागदा एह यज्ञ किया जा रहा था उसको आस्तिक मुनि ने रुकवाया था और नागों की रक्षा की थी, तभी से नाग पंचमी का यह पर्व प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, वह कार्य भी उन्होंने नाग पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए इस नाग पंचमी को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार नाग पंचमी के दिन को नागों के उत्पत्ति का दिवस माना जाता है। नागों का प्रागट्य ही नाग पंचमी के दिन हुआ है, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी की कथा सुनने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती है उन सब का निराकरण हो जाता है। आपके यदि संतान की इच्छा है तो वह आपके पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो जल्द ही आपका विवाह हो सकेगा। यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वह भी मनोकामना आपके पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके मन में वाहन की इच्छा है तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके मन में यदि घर के अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि बड़े व्यक्ति बने और धनवान बने, तो निश्चित तौर पर यह कामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको इस कथा को पूरा सुनना की ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मन लगा करके सोना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, आस्था और विश्वास के साथ इस कथा को सुनना चाहिए, तो निश्चित तौर से आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगे सबकी सब पूर्ण हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। काया है तो दोस्तों, हम आपको नाग देवताओं की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कथा को बीच में आप बिल्कुल मत छोड़ना, कथा आपको पूरी सुननी चाहिए। यदि अधूरी छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, उसका विपरीत परिणाम भी आपके जीवन में हो सकता है। इसलिए आप यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को अवश्य श्रवण कर लीजिए। दोस्तों, इस कथा को नाग पंचमी के दिन तो सुनना ही चाहिए, उसके अलावा अन्य दिनों में भी इस कथा को सुन सकते हैं। कभी भी जब मिलेंगे तब यह आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के साथ पुत्र थे, सालों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लिखने और पहुंचने के लिए बाहर जाकर के पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी लोगों को साथ चलने को कहा तो सभी ने खुरपी जिससे मिट्टी खोदी जाती है वह औजार लेकर और डलिया जिसमें मिट्टी रखी जाती है वह लेकर वहाँ खोजने लगे। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। खुरपी अर्थात जो रसिया टाइप का एक अवतार होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, उससे बड़ी बहू उस नाम को मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, तब सर्प दूसरी ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तो यहाँ से मत जाना। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर वह चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था, नाग देवता से जो वचन दो हुआ था कि घर से लौटकर वापस आऊंगी, वह भूल गई, वापस आना भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और शव को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोली, सर भैया ना भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा कि तो भैया कह चुकी है,
इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी इसी समय में डस लेता और तेरी यहीं पर मृत्यु हो जाती। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब नादेव भोले, आज तू मेरी बहन हुई है, मैं तेरा भाई बन गया हूँ, तुझे जो मांगना हो मुझसे वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है। इसके बाद वहाँ से नाग देवता चले गए और वह छोटी बहू भी वहाँ से घर पुने वापस लौट आई। कुछ दिनों के बाद वह सर मनुष्य का रूप लेकर उनके घर आया और है कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वहीं सकूँ, इसलिए तो डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख कर चकित रह गई। नाग देव की कृपा से वहाँ पर बहुत सारा धन का भंडार भर गया। नाग देवता ने इतना भंडार भर दिया कि उस वैभव को देखकर वह चकित हो गए। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से जा रही हूँ, तो अपने भाई नाग को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसमें गरम गरम दूध अपने भाई को पिला दिया, जैसे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सिर्फ के चेहरे पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम्हें तुम्हारे घर मुझे भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण और बहुत सारा खजाना देखकर वहाँ से उसको विदा कर दिया। जैसे ही वह बहू अपने घर पहुँचते हैं, बहुत सारा रुपया धन संपत्ति देख कर के बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी डालना चाहिए। स्वप्न यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लार करके रख दे। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि उन्हें झाड़ू भी सोने का चाहिए, क्योंकि अब वह बड़ी बन चुकी है। तब सर्प ने झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की लाकर दे सपने छोटी बहू को ही रामनियों का एक अद्भुत हार दे दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, उसका हार बड़ा सुंदर है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हालेख शेयर उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनने की इच्छा जता रही है, आप उसे लाकर के मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी, उसने अपने भाई शरद को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने मेरा हार मुझसे छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और वहां मुझे लौटा दे, तब वह हार मनियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया, जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का रूप बन गया। यह देखकर रानी चीख कर रोने लगी कि मैंने तो हीरों का हार मंगवाया था, यह तो नाग बन जाता है। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा, तो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने किया जादू किया है कि मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मनियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे वापस दिया और बोला, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह रो मनियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत से मुद्राएं उस छोटी बहू को पुरस्कार स्वरूप भेंट की। छोटी बहू वहां से हर सहित पुरस्कार लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि ठीक बता दो, यह धन तुझे कौन देता है। तो वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा उसे खा लूंगा। का यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया, पूजन अर्चन किया और दोनों पति पत्नी ने विधि विधान से उनका सत्कार करके पूजन किया। और तभी से नागपंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा और सभी महिलाएं इस दिन नाग को अपने भाई के रूप में मानती है और भाई से वचन लेती है कि हमेशा तुम्हारी हम रक्षा करेंगे और आप हमारी रक्षा करना। इस प्रकार नाग को अपना भाई माना जाता है। कहीं कहीं कुछ देशों में कुछ जगहों पर नागपंचमी के दिन रक्षाबंधन भी होता है, क्योंकि नाग को सभी महिलाओं ने अपना भाई माना है इसलिए इस दिन रक्षाबंधन भी होता है और कई बहनें नाग देवता को राखी भी चढ़ाती है। इस दिन प्रातकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपने घर में किसी स्थान पर या दीवार पर आटे का नाग बनाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए है और विधिवत पूजन अर्चन करके उनसे अपनी मनोकामना की प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आप घर में नहीं बना सकते हैं तो शिवजी के मंदिर में जाकर नाग देवता का पूजन अर्चन करें। और यदि आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो किसी भी शिवजी के फोटो में जहां नाग देवता रहते हैं उनका आप पूजन अर्चन वंदन करें तो निश्चित तौर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। कमेंट में नागराज भगवान की जय जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।